मथुरा के चप्पल कांड के बाद अब निगम में नई चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। नगर निगम की कार्यशैली से नाराज महिला पार्षद राधा ठाकुर ने 20 नंबर वार्ड से इस्तीफा देकर निगम प्रशासन को चौंका दिया है। पार्षद राधा के मुताबिक बजट पास न होने और क्षेत्र में कुछ भी विकास कार्य न होने से जनता दुखी है, इसलिए पद से इस्तीफा दिया है। पार्षद राधा ने अपना इस्तीफा नगर आयुक्त रविंद्र कुमार मादंड को सौंपा है। पार्षद द्वारा इस्तीफा दिए जाने के बाद निगम प्रशासन की आलोचनाओं की चर्चाएं तेज होने लगी हैं। मथुरा के थाना छाता कोतवाली में बिजली विभाग के कर्मचारियों को स्थानीय लोगों ने धुंधला है। बिजली कर्मचारियों की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। लोगों में वे वजह बिजली कटौती से रोष व्याप्त था, जो इन कर्मचारियों पर फूट पड़ा। विभागीय अधिकारियों ने इस मामले की शिकायत थाना कोतवाली छाता में की है। मथुरा में कोरोना का कहर चप्पे चप्पे पर छाने लगा है। जनपद में आई पॉजिटिव रिपोर्टों के मुताबिक कोरोना मरीजों की संख्या 676 के पार पहुंच गई है। मथुरा शहर में लगभग 50 और देहात क्षेत्रों के भी लगभग 50 गांवों को कोरोना ने अपनी जद में ले लिया है। नगर पंचायत चौमुहा में आज पहला मरीज सामने आया है। और वहीं राल की बात करें तो राल गांव में विवाहिता महिला पॉजिटिव मिलने के बाद आज 3 और नए मामले सामने आए हैं। मथुरा में पुलिस द्वारा लगातार की जा रही चेकिंग अपराधियों के लिए काल साबित हो रही है। थाना छाता पुलिस ने नशीले पदार्थ की बड़ी खेप के साथ 2 तस्करों को भी धर दबोचा है। चेकिंग के दौरान चंडीगढ़ नंबर की लग्जरी गाड़ी को संदिग्ध प्रतीत होने पर चेक किया गया तो उसके अंदर से 90 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ है। पुलिस की माने तो पकड़े गए गांजे की कीमत 9 लाख रुपए है। मथुरा के राया में एक दुकान में जंगली जानवर घुस जाने से हड़कंप मच गया, जिसकी दहशत की वजह से दुकान मालिक भाग खड़ा हुआ। स्थानीय दुकानदारों द्वारा वन विभाग को सूचित करने के बाद टीम मौके पर पहुंची तो सही, लेकिन 10 घंटे बाद भी कोई सफलता हासिल न हो सकी। काफी मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम बैरंग वापस लौट गई। फिलहाल वन विभाग द्वारा दुकान को बंद कर दिया गया है, जिससे जानवर किसी को नुकसान न पहुंचा सके। वन विभाग की इस लचर कार्यशैली से व्यापारियों में खासा रोष व्याप्त हो रहा है।